नमस्कार, आपकी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत मित्तल। आज बात करेंगे रायपुर को नए वक्त का शहर बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम की। शहरों में स्मार्ट बनने की होड़ जारी है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दमदार दावेदारी रही है। ये दावेदारी आज उस वक्त और मजबूत हुई जब यहां 680 करोड़ के आधा दर्जन निर्माण कार्यों को हरी झंडी मिली, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा निर्माण कार्य थे। खुद मुख्यमंत्री ने एक समारोह में तमाम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। रायपुर के लिए इन निर्माण परियोजनाओं के मायने क्या हैं, ये किस तरह इस शहरवासियों के जीवन को आसान बनाएंगे, आने वाले वक्त में ये किस तरह रायपुर को अग्रिम पंक्ति के शहर बनाने में मदद करेंगे और साथ ही राजधानी को बेहतर से बेस्ट बनाने के लिए सरकार का विजन क्या है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूढ़त जी। मूढ़त साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं जो आपने आज इतना बड़ा काम किया। तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट आज लॉन्च किए गए जिनका भूमि पूजन किया मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री जी ने, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे मंत्री जी से कि आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक 4 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि 12 किलोमीटर लंबे होगा, 6 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या शुरू हुआ। इनका भूमि पूजन हुआ, मुख्यमंत्री के हाथों भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया। एक 4 लेन एक्सप्रेसवे मिलेगा शहर को, एक स्काई वॉक मिलेगा, यह पहला स्काई वॉक होगा पूरे छत्तीसगढ़ में ही और रायपुर में तो पहला है ही है। 3 नए ओवर पास ब्रिज मिलेंगे, 2 रेलवे अंडर ब्रिज मिलेंगे और एक फ्लाईओवर होगा। तो ये इस तरीके के और इन सब की जो मूल इसका होगा, जो इसकी कॉस्ट आने वाली है, वो लगभग 680 करोड़ रुपए की है। हम सबसे पहले बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि बहुत एनिमेशन के जरिए आप देख भी सकेंगे अपनी स्क्रीन पर कि जो 4 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है ये लगभग 460 करोड़ की लागत से बनने वाला है। और एक नैरो गेज रेलवे लाइन गुजरती थी शहर के बीच में, केंद्रीय से रायपुर जाती थी, उसको हटाकर इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि तेज गति की आवाजाही हो सकेगी, समय और ईंधन की बचत होगी और नया रायपुर सीधा स्टेशन से जुड़ जाएगा। मंत्री जी, मैं सबसे पहले इसी एक्सप्रेसवे की बात करें कि ये इस तरीके का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पे बन रहा है। तो आपने, वैसे भी हम देखते हैं कि कैनाल लिंक रोड बनाई, नया रायपुर से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आपको क्यों जरूरत पड़ी कि एक 4 लेन एक्सप्रेसवे इस तरीके से बनाया जाए शहर के बीच से? देखिए, शहर के बीच का हिस्से में जिस प्रकार के यातायात का दबाव, खास करके रेलवे स्टेशन से लेकर के हम जब निकलते हैं तो एक छोटी लाइन किसी जमाने में रायपुर शहर की एक हार्ट लाइन हुआ करती थी जी, लेकिन धीरे धीरे नैरोगेज का खत्म हो गया। हमने इसके पहले एक छोटा सा स्टेप उठाया था, हमने तेलीबांदा तक एक रेलवे स्टेशन बना करके रेलवे को दिया ताकि गाड़ी दिन भर वहीं रहे। तो बीच में जो क्रॉसिंग थी, वो क्रॉसिंग धीरे धीरे खत्म हुई जी। अब धीरे धीरे उनसे बातचीत करके हम लगातार 6 साल से इसके लिए लगे हुए थे और इसके बाद कहते हुए बहुत सौभाग्य है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री ने फास्ट्रैक पे केंद्रीय मंत्री से लगातार सुरेश प्रभु जी से बातचीत करके, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के, हमारी सरकार के लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर इतनी मेहनत करके कि इसको तत्काल समाधान करने के लिए 139 करोड़ रुपए हमने उनको रेलवे की जमीन का एक मुआवजा दिया। अच्छा, उनकी जो जमीन आपने लीजो पटी और उसके लिए उसके 139 करोड़ जी, और लगभग 300 करोड़ रुपए करीब इसके हम निर्माण कार्य में खर्च कर रहे हैं। क्योंकि शहर के बीच में फापाडी शहर का एक शहर का बीच का हिस्सा बहुत बड़ा, उसके बाद में शैलेंद्र नगर हमारा देवेंद्र नगर बहुत बड़ा बीच का हिस्सा है, उसके अंदर पंडरी हमारा बहुत बड़ा बीच का हिस्सा है, शंकर नगर एक हमारा बहुत बड़ा बीच का हिस्सा है, उसी प्रकार से तेलीबांदा के बाद रिंग रोड, ये 6 क्रॉसिंग ऐसी थी जिसके कारण घंटों जाम रहते थे लोग। और इसके लिए एक हमारे को एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए यह हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट होगा जो रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट की जोड़ रही है जी। और इसलिए प्रोजेक्ट का जब सर्वे किया, डिटेल बनाने के बाद में इसकी डीपीआर जब बनाई, तो हमने कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है जी, और उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इसके ऊपर एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लगातार मीटिंग करके हमने सुनिश्चित किया और फिर जाकर के इसको छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में हमने लिया। अभी इसको क्या कुछ डिले हुआ है प्रोजेक्ट, जो आसपास की जमीन थी उसको लेने के लिए और पटरियां जो जमीन देनी थी रेलवे को उसमें मिलने में? सामान्यतः 15 अप्रैल को टेंडर खोला ओके,
और 15 अप्रैल को टेंडर खोलने के बाद में उसको वर्क आर्डर दिए हमने। वर्क आर्डर करने के बाद में इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए उसको सेटअप चाहिए, कहीं ना कहीं आकर के वो अपना यार्ड बनाएगा जहां पर उसको ब्रिज का निर्माण करना, ब्रिज भी चार जगह बनाना, एक चार फ्लाईओवर बनेंगे, चार फ्लाईओवर है उसके अंदर। सबसे बड़ा पहला फ्लाईओवर बनेगा मेरा फापाडी के अंदर, फापाड़ी धीरेन्द्र नगर का एक चौक बनेगा, शंकर नगर में फ्लाईओवर बनेगा। शंकर नगर के बाद में हम जाएंगे तो हमारे यहाँ पर इसके बाद में जाकर के तेली बांधा, तेली बांधा के रिंग रोड दोनों को लेकर के एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनेगा। तो इसको करने के लिए चार फ्लाईओवर बनाना, चार फ्लाईओवर के साथ में उसको फोर लाइन का निर्माण काम करना, तो उसको साथ में कहीं ना कहीं अपना यार्ड बनाने के लिए जगह भी चाहिए जी। उसकी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल करना उसमें समय लगता है, और इसलिए 1.5 महीने में हमने उसकी ड्राइंग डिजाइन सब अप्रूवल करके, और आज जिन जिन कामों का हमने भूमि पूजन नहीं किया, काम का शुभारंभ कर दिया जी। परसों से मेरे वहां पर फुल स्पीड पे उसके काम चालू हो जाएंगे। परसों से काम चालू हो जाएगा तो रायपुर जो रायपुरियंस हैं वो कब उस पर गाड़ी चलाएंगे, कौन सी तारीख से गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे? मेरी कोशिश है, सरकार की कोशिश है, और टाइम बंड प्रोग्राम के साथ में। पहले तो इतिहास में ऐसा होता था कि एक बार भूमि पूजन हो गया तो आने वाली सरकार उसका लोकार्पण करती थी, लेकिन सरकार ने लक्ष्य लिया 2018 अगस्त के पहले पहले इसको मेरे को कम्प्लीट करना है जी। 2018 में अगस्त के महीने में रायपुर वासी जो फोर लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है इसके ऊपर अपनी गाड़ी चला सकेंगे, ऐसा मंत्री जी को कहना है। एक दूसरा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका आज शुभारंभ हुआ, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि शुभारंभ हुआ है आज से और 2-3 दिन में काम सारे शुरू हो जाएंगे, स्काई वॉक एक बनाया जा रहा है शास्त्री चौक पर, जो कि सबसे ज्यादा उसमें ट्रैफिक रहता है, आसपास सारे कलेक्ट्रेट है, जेल का रास्ता उधर है, कई सारे बड़े ऑफिसेज आसपास हैं, तो उसको सबको जोड़ने के लिए एक बनाया जा रहा है जिसमें कि जो कि लागत करीब 50 करोड़ की बताई जा रही है कि उस लागत से वो बनाया जाएगा। ये सबसे ज्यादा जो बिजी चौराहा था राजधानी का शास्त्री चौराहा उस पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिन में 18 घंटे तक लगभग हैवी ट्रैफिक रहता है और ऐसा माना जाता है कि 50,000 पैदल यात्री यहां पर चलते हैं, तो उनसे फायदा होगा इस स्काई वॉक से। और उसमें क्या क्या सुविधा होंगी, कहां कहां उसको जोड़ा जाएगा, आप इतनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम उसका एनिमेशन चला रहे हैं, काफी अच्छा अगर एनिमेशन जिस तरीके का बना हुआ है, अगर ये स्काई वॉक क्या मंत्री जी वैसे ही बनेगा जैसा हम एनिमेशन में देख रहे हैं? बिल्कुल 100% उससे और अच्छा बनेगा जी। तो ये आपको क्यों लगा कि यहाँ पर ये ऐसा दिमाग में, ऐसा आपको कैसे समझ में आया कि हमको यहाँ पर स्काई वॉक बनाना चाहिए, इसकी क्यों जरूरत है यहाँ पर? क्या सामान्य रूप से ट्रैफिक और पैदल आदमी दोनों एक साथ चलते हैं। ये एक चौराहा ऐसा था जिस चौराहे के ऊपर कलेक्ट्रेट भी वही है, तहसील ऑफिस भी वही है, न्यायालय भी वही है, हमारा 700 बेड का अस्पताल भी वही है, कचहरी जाने के लिए, तहसील ऑफिस जाने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है वो भी वही है। वो पैदल पैदल आदमी चलता है तो एक लाल लाइट अगर 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए होते तो आदमी क्रॉस नहीं कर पाता, ट्रैफिक जाम ही जाम रहता था। तो मैंने पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर भी देखा, उसके बाद में मैं बाहर गया था लंदन में भी इस चीज को देखा, तो ये चीज समझ में आई कि ट्रैफिक को डिस्टर्ब जो होता है, यात्री जो पैदल चलते कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जल्दी में ठोक देता है, तो इसको एक चीज करना चाहिए। तो मैंने साथ में 2 चीजों को जोड़ने की प्रयत्न, एक तो मेकहरा जो अस्पताल है हमारा उससे अंबेडकर अस्पताल को जोड़ना भी मेरी प्राथमिकता रही है। क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर मरीज वहां से वहां निकल जाएगा, अपना इलाज करा करके सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आना है तो वहां से रेम से चढ़ करके वहां से आदमी आगे मेकहरा उतर सकता है। वहां से अगर मैंने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, मल्टी लेवल पार्किंग में आदमी अपनी गाड़ी पार्किंग कर सकता, वहां से पैदल पैदल चल के कलेक्ट्रेट में अगर उसको काम करना है तो कलेक्ट्रेट में काम करने के बाद में वहां से उतर करके वापस उसी से जा सकता है। अगर मेरे को तहसील ऑफिस में जाना तो तहसील ऑफिस में रजिस्ट्री का काम करना है, अन्य कोई काम करना है प्रमाण पत्र का, मैं वहां करके जा सकता हूँ। मेरे को अगर इसी प्रकार से कहीं जाकर के मेरे को अगर जिला न्यायालय में जाना है तो उसको जाने की सुविधा, लगभग हमने 7 जगह इसके अंदर स्काई लेटर लगाए हैं ताकि लोग वो चल सके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्या देखा है कि फुट ओवर ब्रिज बन तो जाते हैं लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते कि उनको सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है फिर उतरना पड़ता है लोग फिर। तो यही मेरा अगला सवाल था कि 2 चीज आप कैसे इंश्योर करेंगे कि एक तो लोग इसका उपयोग करें क्योंकि आप इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और इसी को उपयोग करें, सड़क क्रॉस ना करें, उसके लिए आप फिर क्या ऐसा इंतजाम करेंगे? देखिए सामान्यतः आदमी चढ़ने में थोड़ा अनकंफर्ट महसूस करता है, वो अवॉइड करता है, हमने इसलिए चढ़ने के लिए स्काई लेटर रखा ताकि आदमी आसानी से चढ़ जाए, उतरने में सीढ़िया से उतर जाए। ये दूसरी चीज इस चीज को कि उसको थोड़ा सा प्रभावशाली व्यवस्थित बनाने के लिए हम कुछ वहां पर इस प्रकार के स्टॉल भी लगा रहे हैं ऊपर ताकि आदमी को कुछ दैनिक दिनचर्या की चीजें भी ऊपर से मिल जाए आदमी को और लेके चले जाए, कुछ आकर्षण चीजें इसके अंदर भी करेंगे क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को अलग अलग अध्ययन करने के बाद में इसको ठीक हो
और 100% आदमी इसका उपयोग करे। समय भी हमने फिक्स करके रखा सुबह 9 बजे तक मिल जाएगा, ये भी हमारा 15 अगस्त के पहले मिल जाएगा। और उसमें भी ये चीज क्लियर है, जैसे आपने देखा होगा मेरे यहाँ पर अभी काम चालू हो गया, मेरी बोरिंग की मशीनें बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, ड्रिल कर रही है और सॉइल टेस्ट कर रही है, और सॉइल टेस्ट होने के बाद में इसको प्रीकास्ट है, स्टील बॉडी के ऊपर बनने वाला है और स्टील के यार्ड के ऊपर काम चालू कर दिया, इसकी ड्राइंग डिजाइन टेक्निकल सब सेंक्शन क्लियर है और इसके आदमी काम करने चालू कर दिया। इसमें एक खासियत ये भी हमने रखी है साथ में कि इसके अंदर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चौकीदार भी रहेंगे इसमें। ओके, जैसे कैमरे भी लगे, कैमरे भी लगे रहेंगे, उसका न्यूसेंस नहीं हो, कोई दुरुपयोग नहीं हो, ताकि रात को 9 के बाद में हम बंद कर दें इसको जी। और सेफ्टी के नाते सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने इन सब चीजों को सुनिश्चित भी किया उसके अंदर। एक सवाल था, एक चीज ये थी कि पहले आप शास्त्री चौक से लेके अमापारा तक एक फ्लाईओवर बनाने वाले थे जिससे कि जो ट्रैफिक आता है वो सीधा ऊपर ऊपर से निकल जाए और सीधा भिलाई चला जाए, लेकिन कुछ जो व्यापारी वहां पर हैं उनकी दुकान है, क्या उनके दबाव की वजह से आपने फ्लाईओवर बंद करके स्काईवॉक बनाने का सोचा? सामान्यतः फ्लाईओवर की परिकल्पना थी एक वो दूरस्थ बहुत दूर की थी, क्योंकि हमारा रायपुर शहर में जिस प्रकार का ट्रैफिक चलता है, रिक्शा भी चल रहा है, ठेला भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, आदमी पैदल भी चल रहा है, हाथ रिक्शा भी चल रहा है, सब चलते हैं, तो उससे ट्रैफिक नहीं बढ़ता था, स्मूथली ट्रैफिक नहीं चलता था, उसी में बस भी जा रही है, उसी में ऑटो भी जा रहा है और लगभग 9 जगह क्रॉसिंग है, हर आदमी इधर से उधर निकल जाता था। तो इन सबका सर्वे करने के बाद में जितनी लैंड की आवश्यकता थी, लैंड एक्वायर करने के बाद में इन सब चीज की आवश्यकता, इसलिए हमने चारों तरफ बाईपास का जाल फैलाया ताकि लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में कनेक्टिविटी बढ़ती जाए और हम जिस चीज आसानी, आज हम जैसे टाटीबंध से आ रहे हैं, टाटीबंध से आएंगे तो रामनगर के अंदर अंडरब्रिज डाल दिया ताकि लोग वहां से सीधे रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, 3 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर जाएगा आदमी, वहां से आमापारा चौक पर आएगा, आमापारा चौक से 4 लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ चल रहा है, वहां आगे तेलगाई नाका चल देगा, वहां से रेलवे स्टेशन चल देगा, उधर का जो ट्रैफिक है वहीं कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। आमापारा, आमापारा से सुंदरनगर, सुंदरनगर से रिंग रोड, ये पूरी पट्टी, वहीं से अगर स्टेशन से आएगा कोई आदमी तो टाटीबंध से आएगा, तो टाटीबंध से पिकाडली होटल, पिकाडली होटल से सीधा कोटा, कोटा से रेलवे स्टेशन जी। तो ये मतलब आपका कहना है कि फ्लाईओवर की आपको लगा कि जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बाईपास बना दिए तो स्काई वॉक बना दिया ये ज्यादा। क्या हमने उसका पूरा सर्वे किया, कितना ट्रैफिक कहां से निकलता है, ये ट्रैफिक कहां तक पहुंचता है, ये दो चीज का सर्वे करने के बाद में कौन सी चीज वायबल हो सकती है उसके लिए हमने कोशिश करके उसको प्रोवाइड किया। एक और महत्वपूर्ण योजना जो आप शुरू की है आपने, वो कमल विहार के पास जो फ्लाईओवर जो आप बना रहे हैं जिसकी की लागत करीब 25 करोड़ से कुछ ज्यादा की आप लागत कर रहे हैं, इसे आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, इसका भी एक एनिमेशन है, कैनाल लिंकिंग रोड पर इसका निर्माण होगा और कमल विहार को जोड़ने के लिए निर्माण किया जा रहा है। कमल विहार एक अलग रेजिडेंशियल योजना है सरकार की जिसमें लोगों को प्लॉट दिए गए हैं, उसमें लोगों को मकान बनाने के लिए काफी फायदे दिए जा रहे हैं और सरकार का ऐसा मानना है कि करीब 1.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मुरत साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं ये प्लान हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद जब शंकर नगर में वीआईपी कृष्णा से निकलता हूं अपने घर के बाहर, वो एक बन रहा है रेलवे ओवर ब्रिज और वो लगभग काफी समय से बन रहा है और अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये बाकी आपने और भी अंडर ब्रिज और जो आप लगातार हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे जिनके विजुअल्स हम लगातार दिखा रहे हैं कि लगभग ओवरपास ब्रिज करीब 3 शुरू किए गए हैं, 2 अंडर ब्रिज रेलवे के शुरू किए गए हैं और फ्लाईओवर जैसा कि मैंने आपको बताया। होता क्या है कि अनाउंस हो जाते हैं, उसके बाद इनकी जो निर्माण जिस समय तक होना चाहिए वो होता नहीं है, डिले होता जाता है, इतनी परेशानी होती है वहां पर, परेशानी होती थी इसीलिए आपने प्लान भी किया, लेकिन अगर आप उसको समय पर नहीं बनाते हैं तो दो उससे और चीजें हो जाती हैं कि एक तो बजट ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों की परेशानी भी ज्यादा समय तक बढ़ जाती है। तो ये जो इतने नए प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हैं तो क्या इसमें आपने कुछ नियम कानून बनाए हैं अपने लिए सरकार? स्वाभाविक रूप से मैंने अपने टेंडर के अंदर शर्तें स्पष्ट डाली है कि समय सीमा में काम। दूसरा, मैंने कोई भी टेंडर फॉलो करने के पहले साइट का क्लियरेंस पहले देखा है कि मेरे पास लैंड एक्विजिशन तो नहीं करना, मेरे को किसी प्रकार की कोई कहीं पे यूटिलिटी शिफ्टिंग तो नहीं है जिसके कारण कहीं डिले होता, कोई कोर्ट चले जाता जिसके कारण होता। आज ये शंकर नगर की प्रॉब्लम मेरे पास आई है, शंकर नगर की प्रॉब्लम यही आई है कि जो लैंड थी वो लैंड को लेकर के वहां की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि वो लैंड जिन व्यक्तियों के नाम पे थी उन व्यक्तियों के नाम पर रजिस्ट्री जरूर थी लेकिन उसके अंदर ऋण पुस्तिका में उनके नाम पे नहीं चला था, तो मैं मुआवजा किसको दूं? उसको लेकर कई दिन और रेलवे के काम के कारण थोड़ा मेरे को तकलीफें हुई है और इसलिए लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके हम सुनिश्चित किए। मैं अब आपको ये बता सकता हूं कि कई ऐसे आरओबी मैंने कंप्लीट किए हैं छत्तीसगढ़ में, राज्य निर्माण के बाद में 17 आरओबी बना चुका हूं मैं अभी तक।
जो आज तक कभी नहीं बने, लगभग 936 करीब पुल बनाया हूं मैं, बड़े बड़े पुल, यानी कंटिन्यूशन में कहीं ना कहीं जाकर के छोटे मोटे कामों को, इसलिए प्राथमिकता के आधार पे कुछ चीजों का जो हमारे संज्ञान में आया, जिस चीजों को टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी कि कहीं यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं होती, किसी की जमीन का प्रॉब्लम आया, कहीं पोल शिफ्टिंग नहीं है, इसलिए इन सब चीजों को क्लियर करने के बाद में ही हमने अपने टेंडर में समय सीमा दी है 15 महीने के अंदर इस काम को कंप्लीट करना। अगर 15 महीने में उसने नहीं किया तो ठेकेदार के खिलाफ में पेनाल्टी सुनिश्चित है। ओके, तो ये जो कमल विहार का फ्लाईओवर जो हम बता रहे थे, इसको आपने क्यों बनाने की सोची, क्यों जरूरत थी वहां पर इसको? देखिए, सामान्यतः धमतरी एक्सप्रेस धमतरी चल रहा है, वो भी 4 लेन में तब्दील हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, कमल विहार की तरफ भी जाने वाले लोग आ गए, तो चौराहा है, जिस चौराहे के ऊपर ट्रैफिक जाम होता, कोई गाड़ी इधर से निकलती कोई इधर से निकलती, जब 1 लाख से ज्यादा की आबादी, 1600 एकड़ की एक नई टाउनशिप बस रही है, तो कहीं ना कहीं वो शहर के कनेक्टिविटी में जुड़ेगा, तो फ्यूचर प्लानिंग की दृष्टि से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी तरफ आ जा सके, ताकि हमारे को किसी को रुकावट नहीं हो। इसलिए हम एक स्मार्ट सिटी की जो कल्पना करते हैं, जो जिन चीजों के लिए यातायात को सुनिश्चित करना, व्यवस्थित करना, ये सरकार का दायित्व है, इसलिए हम कई चीजों को बिफोर प्लानिंग के साथ में लेकर के भी चल रहे हैं। उसी प्रकार से मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ये न्यू राजेंद्र नगर जिसके ऊपर हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, भाटागांव में हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसी प्रकार से हम जाकर के एक आगे भाटागांव के आगे कुशालपुर है हमारा, वहां 3 जगह क्रॉसिंग इसलिए कर रहे हैं, हमारी 4 लेन बनी है, वो 4 लेन शहर के बीच में आ गई। अब शहर के बीच में आ गई तो चौराहे के ऊपर हजारों लोग इधर से उधर जाते हैं, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता, एक्सीडेंट होता, कई घटनाएं घटती पेपरों के अंदर। हमने अपने स्टेट फंडिंग से उसके ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं, ताकि लोग वो हेवी गाड़ियां जो ऊपर ऊपर निकलना हो सीधा एक्सप्रेसवे टाइप की निकल जाए, और जिनको क्रॉसिंग करना है वो नीचे से क्रॉसिंग करके अपने गंतव्य की ओर चला जाए, ताकि किसी प्रकार का रुकावट नहीं हो और जो दुर्घटना घटती उन दुर्घटनाओं से हमें रोक मिल जाए। तो ये आप इसको मतलब जितने भी प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुए हैं, क्या ये हम माने कि आप रायपुर की जनता से या छत्तीसगढ़ की जनता से ये कहने को तैयार हैं कि जो 680 करोड़ हैं ये उतने में ही कंप्लीट होंगे, और जो हम अगस्त का टाइम दे रहे हैं तभी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे? स्वाभाविक रूप से 680 करोड़ का जो टेंडर रेट है, टेंडर रेट के साथ में उसका कैलकुलेशन है, और उतने में ही वो काम पूर्ण होगा, और समय सीमा की पाबंदी हम सब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग करें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने टेबलेट के अंदर 300 प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी के रखे और हर 3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री खुद उसका रिव्यू करते हैं, और इसलिए हम पूरे प्रदेश सरकार जिस प्रकार के इस प्रदेश के अंदर 29,000 करोड़ के काम चल रहे सरकार के, कभी पीडब्ल्यूडी का प्रोजेक्ट खाली 650, जिस दिन मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में आया था तो कुल 650 करोड़ का बजट था, आज खाली एक शहर के लिए 650 करोड़ काम कर रहा हूं मैं यही नहीं, पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक चारों तरफ 29,000 करोड़ पूछूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई मंत्री हमारे स्टूडियो में बैठ के इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो भी बजट उसमें लगाया गया है उसी बजट में ये काम पूरे होंगे, समय सीमा में पूरे होंगे, और अगर समय सीमा में पूरे नहीं होते हैं तो जो भी कॉन्ट्रेक्टर उसको कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी होगी। लेकिन एक चीज और बात है, आज जब उद्घाटन हो रहा था तो मैं अपने न्यूज रूम से कहूंगा कि जरा वो बाइट दिखाएं जो कि पहले यह कहा जाता था कि मुनर साहब केवल अपने ही क्षेत्र में योजनाएं लाते हैं, आज किसी और प्रतिनिधि, इनके बीजेपी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं मेरे क्षेत्र में काफी ज्यादा आ गए हैं, तो जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाई, क्या वो हम दिखा सकते हैं बाइट, क्या खींचतान चली थोड़ी सी मंच पर? शहर के विकास में जब चाहे जितना पैसा चाहे हमारी सरकार ने रायपुर शहर के विकास के लिए दिया है, आज हम सब लोग प्रसन्नित है, यहाँ पे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में करीब 450 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज हुआ है। माननीय श्री चंदी सुमरानी ने 680 करोड़ में से 450 करोड़ पर हाथ मार दिया, जो बाकी का केक बचा है इसमें 3 विधायक आते हैं, माननीय ब्रजमोहन जी, देवजी भाई पटेल और एक आपका एक कार्यकर्ता, तराजू में सब सामान का संतुलन ठीक से होना चाहिए, एक लड़के को इतना ज्यादा ओवर एटिंग कर दो को उसको उल्टी होने लग जाए, और दूसरे को बैठे बैठे देखने के लिए तरसना छोड़ दो, कम से कम ये काम हो रहा है रमन सिंह जी, मुड़े जी बहुत करिए मेहरबानी कर। तो बोल रहे थे कि
सबको बराबर देखना चाहिए, किसी को अगर कोई ज्यादा खा ले तो ओवर डाइटिंग हो जाए तो उल्टी हो जाती है, लेकिन जो पहले से खा गया हो उसको आता है उल्टी करने दे, तो जो नहीं खाए हैं उनको हम बांट रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी की आपने बात सुनी, वो कांग्रेस के हैं, आपके पक्ष वाले तो बहुत खुश थे सीजन सुंदरानी जी, उनकी बात का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, सत्यनारायण जी का क्षेत्र भी उतना ही काम हुआ है, ये रायपुर शहर मेरा, मैंने अपने भाषण के अंदर उल्लेख किया है, रायपुर शहर मेरा आपका अपना है, और कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जो किसी क्षेत्र के लिए कर रहा हूं मैं। लोगों ने पहले कई बार कहा कि यहां काम हो रहा वहां काम हो रहा, मैंने जितने काम इस रायपुर शहर की आवश्यकता को देखते हुए सुनिश्चित किए हैं, जहां भी आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं किसी के बीच से कोई रोड गुजरती है तो उस रोड पर गुजरने वाला कोई विधानसभा का व्यक्ति नहीं होता है, वो शहर का नागरिक है, और शहर का नागरिक जब उस रोड से गुजरता है तो उसको ये लगता है कि रोड बनी है। अब वो एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है तो उसके अंदर तीन विधायक हैं, तो क्या तीन विधायक के नाम का बंटवारा थोड़ी हो जाएगा इसके अंदर जी? ये तो उन्होंने अपने रूप से बोल दिया कि मेरे क्षेत्र में इतने का काम हो रहा है, ये रायपुर शहर का काम हो रहा है जी, और जो काम मैं कर रहा हूं 90% रायपुर शहर के ऐसे काम कर रहा हूं जो आवश्यकता के साथ में है। कहीं मैंने पहले पिछली बार इंडोर स्टेडियम बनाया, वो नगर निगम का था, कोई मेरा नहीं था, न पीडब्ल्यूडी कोई लेने देना, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, मैंने कहा है सर आज की आवश्यकता है, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम बना है जिसमें अकॉस्टिंग नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं, थोड़ा सा आवाज ठीक हो जाएगी तो बड़े से बड़े फंक्शन हम लोग यहां कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और मैंने डिपॉजिट के रूप में उसको बनाया, वापस नगर निगम को दे दिया। आज मैं शहीद स्मारक बनाने की घोषणा किया हूं, मैं उसके अंदर 8 करोड़ समथिंग खर्च कर रहा हूं, और वो कर ही नहीं रहा हूं मैं, उसके अंदर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन करके वो, क्योंकि हमें धरोहर है, ये रायपुर शहर की धरोहर है, राजेश मूलत की धरोहर है, डॉक्टर रमन सिंह की धरोहर नहीं है, जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना हर सरकार का कर्तव्य है, और डॉक्टर रमन सिंह इस प्राथमिकता को लेकर चल रहे हैं। ये तो राजनीतिक भाषण थोड़ा बहुत चलता है। हम आज जब न्यूज रूम में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आज आपने बहुत बड़े बड़े एड दिए हैं पेपर वगैरह में, तो एक ये बात निकल के आई, मेरे सहयोगियों ने कहा कि क्या रायपुर में मेट्रो को भी लाने की कुछ योजना है, या आपको लगता है कि रायपुर अभी इतना फैल गया या बड़ा हो गया कि उसको मेट्रो ट्रेन की जरूरत है? नहीं, देखिए मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले सर्वे कराया, और सर्वे करने के बाद में रायपुर से राजनांदगांव के बीच में हमने कोशिश की थी, सामान्यतः उसकी आबादी जिस प्रकार का मेट्रो का खर्चा है अभी वर्तमान में उसको उपयुक्त नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर फिर एक बार विचार किया, उन्होंने कहा है देखा है कि हम मोनोरेल चला सकते हैं क्या, मोनोरेल से क्या हमारे कोई क्लियर हो सकती है, इन सब चीज की स्टडी करते हुए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जिस प्रकार का प्रोजेक्ट है जी, इसलिए उसको प्राथमिकता पे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजों के लिए स्टडी के लिए कहा है, समय के साथ में उसका निर्णय। अभी आपको लगता है कि शहर में उसकी ऐसी जरूरत अभी नहीं पड़ी है, जो आपने अभी कार्य किए इससे काफी आसान हो जाएगा। इसलिए मास ट्रांसपोर्ट हम चला रहे हैं, धीरे धीरे हमने राजधानी जोड़ने के लिए मास ट्रांसपोर्ट चालू कर दिया, एसी बसें चालू कर दी, राजधानी को जोड़ने के लिए एसी बसें चालू कर दी। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्राथमिकता दी कि आसपास से धमतरी से आदमी आए, लोकल परिवहन चालू करो, ताकि लोग प्राइवेट गाड़ी से जाते, आजकल पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए, सही बात, और फैसिलिटी के लिए सरकार ने कहा नहीं प्राथमिकता में एसी बस चालू करिए, बिलासपुर से रायपुर एसी बस चालू करो, राजनांदगांव से रायपुर एसी बस चालू करो, सरायपाली से रायपुर एसी बस चालू करो, कांकेर से रायपुर बस एसी बस चालू करो, ताकि लोग सुबह आए अपना दिन भर काम करें, शाम को आसानी से अपनी गाड़ी में चल दें, तो ये गाड़ी का घनत्व जो बड़ा छोटी गाड़ियों का ये कम होगा उससे। एक बात और निकल के आई कि जो कई चीज ऐसी है जो अधूरी है, जैसे बिलासपुर तक का जो हाईवे है रायपुर से बिलासपुर को जोड़ने वाला, वो अभी तक पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। फिर हम बीच में पढ़ रहे थे कि आपने कुछ योजना बनाई है कि जगदलपुर बस्तर के जोड़ के जो घाट पड़ता है, केशकाल घाट पड़ता है, वहां पर आप कुछ एक बाईपास वगैरह बना रहे हैं, तो ये जो आपने सोचा है ये क्या चुनाव से पहले पूरा कर लेंगे? यस, लक्ष्य स्पष्ट 2018 रायपुर बिलासपुर, रायपुर से सिमगा एक पार्टी काम कर रही है, एक कॉन्ट्रेक्टर सिमगा से नानघाट एक कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है, और नानघाट से बिलासपुर L&T ग्रासिम और एक और है, ये तीन संस्थाएं काम कर रही है, तीनों का काम गति पे, कुछ बीच में रुकावट थी लेकिन उनका भी लगातार समीक्षा करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम। बस्तर में केशकाल घाटी
जिसके अंदर जाने से कई बार जाम होती थी, बहुत बार जाम होता था। ये नया अलाइनमेंट लेने के बाद में उसके अंदर काम चालू हो गया, काम करना चालू कर दिया, बहुत गति से काम चल रहा है, वो भी लक्ष्य स्पष्ट है 2018 तक किसी हालत में उसको पूर्ण करना। ठीक है, आप आज हमारे स्टूडियो में बोल के जा रहे हैं, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, कि ये जितने भी काम शुरू हुए हैं ये टाइम पर होंगे, क्वालिटी में होंगे और कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ना इनका कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। ये बात हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम फिर से मंत्री जी को बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और सवाल पूछेंगे कि ये कैसा क्यों हुआ। जिस तरीके की योजनाएं बताई हैं उसमें लगता है कि रायपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा, लेकिन हमारी आईबीसी 24 की भी दर्शकों से ये अपील है कि अगर स्मार्ट सिटी में रहना है तो हमें भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता सर्वे में हमारा शहर बहुत पीछे रहा था, और स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो केवल सरकार ही नहीं, उसमें हर आदमी को जुड़ना पड़ेगा, तभी वो स्वच्छ होगा। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से मैंने जनता से आज अपील भी की इस बात की, हाँ, कि शहर मेरा, इसको स्वच्छ सुंदर रखना मेरा कर्तव्य है जी। हम सब लोग मिलकर के शहर को सुंदर बनाने के लिए काम करें, राजनीति से ऊपर उठ करके, विचारों से ऊपर उठ करके इस शहर के प्रति आपका मेरा लगाव होना चाहिए, यही कर्तव्य हमारा है जी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि ऐसी, मैं जाते जाते बस ये हम खत्म कर रहे हैं कि आपका जो गीला कचरा है वो आप हरे डब्बे में डालें और जो आपका सूखा कचरा है वो आप नीले डब्बे में डालें, इस बात का ध्यान रखें। सरकार ये योजना शुरू कर रही है लेकिन सफाई जो है वो अपनी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बताया कि आप योजनाओं को किस तरीके से पूरा कर रहे हैं, और हमारी ये आपकी बात अभी जारी रहेगी। हम दूसरी तरफ चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर की जो हेल्थ सुविधाएं हैं उनके बहुत बुरे हालत हैं। आज जिस तरह की खबरें हमारे पास आई वो हमारे मन को बहुत चुभी और हमको उन्हें बहुत दुख दिया। हम वहां भी मंत्री जी से पूछेंगे कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का।